आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल सोशल मीडिया सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। हम आज के दिन की बात करें तो 100% वी आर डिपेंडिंग ऑन डिजिटल थिंग्स। हम अपने बिजनेस को और सोशल को पूरी तरह से डिजिटल में कन्वर्ट कर चुके हैं। ये 3 महीने में आपने इसका अनुभव भी किया होगा। तो इसकी सिक्योरिटी जितनी हम अपनी तरह से सिक्योर कर सकते हैं उसको हमारा बेनिफिट में माना जाता है। आज हम मेन 5 पॉइंट पे वर्कआउट करने वाले हैं। मोबाइल सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी, पेमेंट गेटवे सिक्योरिटी, पासवर्ड सिक्योरिटी टिप्स एंड सोशल मीडिया सिक्योरिटी। उसमें फर्स्ट मोबाइल सिक्योरिटी जो हम बोल रहे हैं तो 100% किसी के पास ऐसा भी नहीं होगा वो सोशल मीडिया और कनेक्शन अपने डिवाइस मोबाइल डिवाइस से नहीं किया होगा। तो उसकी सिक्योरिटी कितनी इम्पोर्टेंट है वो चीज हम आज देखने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, मोबाइल फोन सिक्योरिटी के, कीप योर फोन लॉक। ओके, हम जितने भी स्मार्टफोन यूज करते हैं उसमें हमारा स्क्रीन लॉक आता है। ज्यादातर लोग इसमें लॉक सिस्टम नहीं यूज करते हैं। वाई, और इसको यूज क्यों करना चाहिए वो चीज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका फोन कहीं गिर जाता है या फिर कोई उसको एक्सेस करना चाहता है यूज ऑफ योर इंटरनेट, तो अगर आपका फोन लॉक है तो कोई भी बंदा उसको एक्सेस नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल, अगर हम कोई प्राइवेट जगह पे, पब्लिक जगह पे है, पब्लिक जगह पे हमने शायद सोच लीजिए कि हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में फ्री वाईफाई है। अगर आपका वही भी फ्री वाईफाई कनेक्शन आप यूज कर रहे हो और आपका स्क्रीन लॉक होगा तो कोई भी बंदा उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो पहली चीज, वी हैव टू यूज अ लॉक सिस्टम फॉर अवर स्क्रीन। सेकंड थिंग, सिक्योर पासवर्ड। जैसे कि हम ज्यादातर यूज करते हैं कोई पासवर्ड स्क्रीन तो 1 2 3 4 डाल देते हैं, 1 1 1 1 डाल देते हैं। सो डोंट यूज लाइक दैट, एनीवन कैन एक्सेस। सो बीवेयर टू प्रिवेंट लाइक दैट पासवर्ड्स। अगर आप कोई पैटर्न यूज कर रहे हो तो पैटर्न में भी कोई ऑकवर्ड यूज करना चाहिए। जैसे आपका कोई कैरेक्टर हो, पी कैरेक्टर, बी कैरेक्टर, जे कैरेक्टर, यूज लाइक दैट। और एक चीज इसमें आती है कि अगर आप कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो फोन का जिसमें आप आईओएस सिस्टम हो या एंड्रॉयड सिस्टम हो, उसको अपडेट करना बहुत जरूरी है। अपडेट इसलिए करना जरूरी है कि शायद मान लीजिए कि मेरा फोन है सैमसंग का, सैमसंग का फोन के अंदर आप देखेंगे तो हर एक साल में 2 अपडेट आते हैं। अगर आप उसको अपडेट नहीं करेंगे तो जो सिक्योरिटी लेवल है आपका फोन का वो परमिट नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जितने भी आपको आईओएस डिवाइस और सैमसंग का डिवाइस, और अगर आप विंडो का भी फोन यूज कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिक अपडेट आता है। सो प्लीज उसको इग्नोर मत कीजिए, प्लीज उसको अपडेट कर दीजिए ताकि जितनी भी वो सिक्योरिटी बैकएंड में है वो अप्लाई हो जाती है। और एक चीज, हम ज्यादातर वाईफाई वाईफाई जितना फ्री मिलता है हम यूज कर लेते हैं। सो डोंट यूज दैट। अगर आप कोई पब्लिक जगह पे फ्री वाईफाई मिल रहा है तो डोंट यूज दैट, बिकॉज अगर वाईफाई उसको कनेक्ट करते हो तो आपका डिवाइस का जो मैक आईडी है वो वहां पे शेयर होता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं रेलवे स्टेशन पे गया, मैंने रेलवे स्टेशन का वाईफाई यूज किया, कनेक्ट किया फ्री वाईफाई, तो मेरा फोन का जो मैक आईडी है वो वहां पे स्टोर हो जाता है। सो एनीवन कैन एक्सेस माय फोन विथ मैक आईडी। सो मैक आईडी एक ऐसी चीज है कि हमारा जो फोन है उसका सीरियल नंबर रहता है। अगर आप फोन परचेस करोगे तो वहां पे वो आपको सीरियल नंबर देगा, तो वो सीरियल नंबर शेयर होता है तो एनीवन कैन एक्सेस योर फोन इजिली। सो डोंट डू लाइक फ्री का वाईफाई मिल रहा है, डोंट यूज दैट। सेकंड, एप्स एंड देयर परमिशन। मैक्सिमम हम जितनी भी एप्लीकेशन जो डाउनलोड करते हैं हमारे फोन में, लोग क्या करते हैं, जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड किया वहां पे कुछ परमिशन मांग रहा है, अलाउ अलाउ करके हम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देते हैं। एक बार एक काम कीजिएगा, आपके फोन में जाइएगा, उसमें एक एप्स नाम का एक बटन है, सेटिंग में एप्स जब में जाएगा, एप्स के अंदर अगर आप
उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको परमिशन नाम का एक टैब दिखेगा। आप परमिशन में देखोगे तो आपने आपका फोन, SMS, गैलरी, एवरीथिंग परमिशन करके रखा हुआ है। इट मींस जो एप्लीकेशन का ओनर है वो आपकी सभी चीजें देख सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो मैं तो यह बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास गूगल का भी कोई भी एप्लीकेशन आपके डिवाइस के अंदर, मोबाइल डिवाइस के अंदर जो इंस्टॉल है, उसमें परमिशन आज के आज ही उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। मैं बात करता हूँ गूगल की। अभी आपको फिलहाल मालूम होगा कि अमेजोन ने एक क्लेम किया है गूगल पे दैट गूगल कैन अलाउ ऑल योर डेटा एंड सेलिंग इन द मार्केट, लाइक आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, आपकी गैलरी है, वो सब वो एक्सेस कर पाता है गूगल, और उसके एक्सेस करने के बाद वो मिसयूज भी करता है। तो अमेजोन ने अभी उसके सामने फाइट भी की हुई है, US के अंदर वो केस चल रहा है। तो इस तरह से किसी भी एप्लीकेशन, अगर सोच लीजिए तो गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हमारे मोबाइल के अंदर हम इंस्टॉल एवरीडे करते हैं और हम अपनी सारी परमिशन उनको दे देते हैं। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जितनी भी परमिशंस है वो आप एक बार निकाल दीजिए। जैसे हम टिकटॉक की बात करते हैं, अभी आपने बोला कि टिकटॉक गवर्नमेंट ने डिनाइड कर दिया है, क्यों? क्योंकि आप अगर आप टिकटॉक यूज़ करते थे तो उसमें एक परमिशन आती थी, और परमिशन को अलाउ करते ही आपका गैलरी, कॉन्टेक्ट और सब कुछ शेयर होता था चाइना के सर्वर में। तो दे कैन यूज देयर योर फोन, योर कॉन्टेक्ट्स, योर SMS, योर गैलरी एंड एवरीथिंग। और कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमारे कॉन्टेक्ट के अंदर हमारा पासवर्ड, हमारा ईमेल आईडी, वो सब कीप सेव करने के लिए, वो याद रखने के लिए हम वहाँ स्टोर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पासवर्ड भी दे कैन एक्सेस। सो पहले ये चीज आपको करनी है कि मोबाइल डिवाइस के अंदर जितने भी एप्लीकेशन है उसकी परमिशन आपको बंद कर देनी है। और एक पॉइंट आता है क्लीन योर मोबाइल। क्लीन योर मोबाइल दैट मीन्स कि अगर आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हो तो इसकी एक हिस्ट्री बनती है। और एक सीसी क्लीनर नाम का एक एप्लीकेशन आता है, सीसी क्लीनर को आप डाउनलोड कर दीजिए और वीक में या मंथली उसको आप क्लियर करते रहिए, ताकि जितने भी आपका जो मोबाइल के अंदर डिजिटल पेमेंट हुआ होगा या कोई भी आपने सर्च किया होगा वो आप वहां से डिलीट कर सकते हो। सो इफ एनीवन कैन एक्सेस योर फोन, दे कैन नॉट गेट योर डेटा। सो ये रही थी हमारी मोबाइल फोन सिक्योरिटी टिप्स, जो जनरल हम यूज करते हैं उसको हम सिक्योर कैसे कर पाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी मैक्सिमम 95% कैन यूजिंग इंटरनेट, लाइक हम अभी भी जो सेशन चला रहे हैं दैट इज फ्रॉम द योर इंटरनेट। तो उसकी जो सिक्योरिटी आती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है क्लिक विदाउट थिंकिंग इज रेकनेस। इट मीन्स जो हम ईमेल में, काफ़ी सारे ईमेल शायद आपने देखे होंगे, तो प्रमोशन वाली ईमेल्स आते हैं। अगर आपको कुछ प्रमोशन वाला ईमेल दिखा, उसमें लिखा होगा कि आपको 5,000 rupees मिल रहे हैं, 10 lakh मिल रहे हैं, अगर आपने उस पर क्लिक किया दैट मीन्स के आप क्लिक करते हो तो वो एक कोड लेके उनके साइट पे जाता है और वहाँ पे एक एक्सेस पॉइंट रहता है जिसके जरिए से आपके ब्राउजर में जितने भी एक्सेस पॉइंट, जितने भी लॉगिन है वो शेयर हो जाते हैं उनके सर्वर पे। सो कोई भी जगह पे अगर आपको फेसबुक यूज कर रहे हो, आपका ईमेल के अंदर कोई भी ईमेल के लिंक आता है, व्हाट्सएप पे लिंक आता है, तो वो चीज़ आपको थिंक करके लिंक पर क्लिक करना है क्योंकि आपके डेटा शेयर हो रहे हैं। सेकंड पॉइंट आता है कीप अप विथ अपडेट सॉफ्टवेयर। माने कि अभी जो बात कर रहे हैं इंटरनेट सिक्योरिटी की, तो इंटरनेट सिक्योरिटी में हम जो डिवाइस यूज करते हैं, मोबाइल डिवाइस यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होना जरूरी है। ज़्यादातर हम मानते हैं कि हमारे विंडोज जो है वो पायरेटेड यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली वी कैन यूज दैट, बट मेरा मानना ज़्यादा है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको लाइसेंस वर्जन में कन्वर्ट कर दीजिए और उसको अपडेट रखिए ताकि आपकी सिक्योरिटी बढ़ता रहे। सेकंड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट आता है इंस्टॉल एंड एंटीवायरस प्रोडक्ट। तो
ज्यादातर हम कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल करवाते हैं, परचेस करते हैं, लेकिन मोबाइल को छोड़ देते हैं। वाई? मोबाइल को आपको एंटीवायरस से प्रोटेक्ट करना है, और वो भी इतने कम दाम में। अभी तो फिलहाल मिल रहा है, जैसे अभी तो आप देखेंगे तो एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर जो 499 में पर ईयर का पैकेज मिल रहा है, इट्स नथिंग। आप अपने फोन की सिक्योरिटी के लिए 500 रुपीज तो पे कर सकते हैं, तो वाई डोंट डॉट दैट। आपको एंटीवायरस को इंस्टॉल करना है मोबाइल और इंटरनेट और एवरीवेयर आपका जितना भी डिवाइसेस है। और एक चीज आती है, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर अ सॉफ्टवेयर फायरवॉल। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो कंप्यूटर के अंदर आप जाओगे तो वहां पे एक फायरवॉल आपको मिलेगा। वहां पे फायरवॉल की पॉइंट आता है, फायरवॉल ब्राउजिंग ब्राउज और एक फायरवॉल योर कंप्यूटर। तो ये आप दोनों को एनेबल करना है। फायरवॉल एक ये चीज है कि अगर कोई बंदा आपके फोन को या आपके डिवाइस कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहेगा तो फायरवॉल उसको ब्रेक कर देगा। माने कि अगर कोई वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर डालना चाहेगा तो फायरवॉल उसको एक्सेस डिनाइड कर देगा। तो ये चीज एक इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो फायरवॉल आपका एनेबल होना चाहिए। और जब भी आप कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हो तो फायरवॉल आपको डिटेक्शन स्पाइवेयर से डिटेक्ट करके उसको हटा देगा। तो ये फायरवॉल को आपको एनेबल करना है। और एक चीज आती है, टर्न ऑफ योर लोकेशन फंक्शन। ये एक चीज आपको ज्यादातर हम यूज करते हैं, जैसे आप मैप यूज करते हो, गूगल मैप। तो गूगल मैप के अंदर एक चीज रहती है कि अगर आप गूगल मैप एनेबल करोगे तो लोकेशन ऑन हो जाता है। अगर आपका लोकेशन ऑन हो गया, दैट मीन्स कि एनीवन कैन एक्सेस योर पॉइंट। पॉइंट माने के एक एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और गूगल मैप को चालू करता हूँ और गूगल मैप को मैंने डायरेक्शन दिया है कि मुझे यहाँ से सूरत जाना है, तो वो डायरेक्शन पे हमारा गूगल का लोकेशन चालू रहता है। अगर कोई बंदा एक्सेस करने के लिए गूगल मैप के अंदर जितने भी लाइव लोकेशन है उसको ट्रैक करेगा तो आपका मोबाइल डिवाइस वो ऑटोमेटिकली एक्सेस कर पाता है। तो ज्यादातर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर जरूरत नहीं है तो हमारा लोकेशन पॉइंट हमको ऑफ रखना है। ज्यादा इसके लिए हमारी सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। और एक पॉइंट आता है, डू नॉट यूज पब्लिक इंटरनेट एक्सेस। मैंने अभी आगे भी बोला कि अगर आप कोई पब्लिक जगह पे जा रहे हो तो फ्री में अगर इंटरनेट मिल रहा है तो डोंट यूज दैट, बिकॉज कौन कहाँ से आपका मोबाइल एक्सेस कर पाता है वो आपको नहीं मालूम है। अगर आपने शायद एक साउथ की मूवी आई होगी तो वो आपने देखी होगी, नाम मूवी मुझे मालूम नहीं, वो आई विल डिक्लेयर लेटर। उसमें वहां पे बताया था, अगर आप कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो और वो फ्री का आप इंटरनेट यूज कर रहे हो रेस्टोरेंट का, तो उसके मेन डिवाइस से आपका कैमरा भी एक्सेस हो सकता है। जैसे अगर वहां पे कैमरा लगा होता है तो कैमरा से आपका फोन भी वो एक्सेस कर पाते हैं। तो मैं ज्यादातर बोलना चाहूंगा कि आप पब्लिक इंटरनेट एक्सेस जो है वो यूज मत कीजिए, अपना खुद का जो इंटरनेट एक्सेस है वही उसको फॉलो कीजिए। और एक चीज आती है, डू नॉट यूज पब्लिक डिवाइस टू यूज इंटरनेट। अगर हम किसी बंदे के घर पे जा रहे हैं, किसी अननोन जगह पे जा रहे हैं और हम वहां पे अपना लॉगिन कर रहे हैं तो वो एक चीज सिक्योर नहीं है। और वहां से अगर पेमेंट करना है तो डोंट यूज, रिफ्यूज दैट। अगर आपको पेमेंट करना है तो यूज योर ऑन डिवाइस एंड योर ऑन इंटरनेट एक्सेस फॉर योर सिक्योरिटी। तो ये चीज थी हमारी इंटरनेट सिक्योरिटी की। हम आगे अब जा रहे हैं, वहां पे आता है पेमेंट गेटवे और डिजिटल ट्रांजेक्शन। अभी तक जो आपने 3 महीने में देखा कि हमारा पूरा जो पेमेंट गेटवे अब डिजिटल बनता जा रहा है और हम यूज भी कर रहे हैं, और यूज करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पेमेंट गेटवे यूज मत कीजिए, यूज कीजिए बट विद द मैक्सिमम सिक्योरिटीज। तो उसकी सिक्योरिटीज कैसे हो सकती है वो हम देख लेते हैं। पेमेंट गेटवे, अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो माने कि आप वेबसाइट आपने ओपन की, तो वेबसाइट के ऊपर यूआरएल में आपको वहां पे ग्रीन लॉक दिखेगा, ग्रीन या व्हाइट डजेंट मैटर। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे वो दिखेगा ये सिक्योर है या नहीं। अगर वो सिक्योर नहीं है, उसका एसएसएल नहीं है, तो उस पर ट्रांजेक्शन मत कीजिए, वहां से वो कोई भी चीज परचेज मत कीजिए।
एक बात, अगर आप किसी ने ट्राई करना है तो कोई भी साइट पे आप लॉगिन कीजिए, वहां पे देखिए कि वहां पे HTTPS दिखेगा। अगर HTTP ओनली दिखता है तो उस साइट से कोई भी चीज परचेज मत कीजिए। अगर वो HTTPS होगा उससे पेमेंट ट्रांजेक्शन करना चाहिए, क्योंकि वो सिक्योरिटी लेवल से बनी हुई साइट है। तो ये चीज हो गई SSL। तो जहां भी आप पेमेंट गेटवे यूज करना चाहोगे वो SSL होना जरूरी है। सेकंड थिंग, डू नॉट स्टोर टैग इंफॉर्मेशन एनी पेमेंट गेटवे। मैक्सिमम आप देखेंगे तो अगर हम रिचार्ज करना चाहेंगे तो आप देखेंगे पेटीएम देखिए, गूगल का गूगल पे देख लीजिए, वहां पे वो लोग क्या करेंगे, अगर आप अपना कार्ड यूज करेंगे तो वहां पे एक नीचे टिक मार्क रहेगा कि सेव योर कार्ड, तो वो आपको नहीं करना है। अगर आप अपना कार्ड सेव करते हो दैट मीन्स कि ये गूगल पेपा पेटीएम जो भी है वो आपका कार्ड का इंफॉर्मेशन उनके सर्वर में स्टोर कर रहे हैं। तो आपको ये चीज हटा देनी है। जब भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो नीचे टिक मार्क रहेगा, और वो लोग वो बहुत स्मार्ट है, मैं आपको बोल रहा हूँ। पेटीएम में अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करने जाओगे ना तो नीचे ऑटोमेटिक डिफॉल्ट टिक मार्क हो जाएगा, माने कि आपका कार्ड स्टोर हो गया, तो आपको उसको अनचेक करके पेमेंट करना है। तो ये चीज हो गई, आपको कार्ड स्टोर नहीं करना है। और एक चीज आती है टू फैक्टर और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका बैंकिंग जो है तो बैंकिंग में आपको ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन करना है तो उसका ओटीपी जनरेट होगा और आपके SMS में आएगा, तो वो चीज आपको एनेबल करनी है। माने कि अगर कोई भी बंदा आपका कार्ड हैक कर सकता है और कोई भी आपका अकाउंट नंबर हैक करता है और वो ट्रांजेक्शन करना चाहेगा तो आपके मोबाइल के अंदर वो ओटीपी आएगा। अगर वो ओटीपी नहीं डालेगा तो वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज हो गई आपको टू वे फैक्टर। अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे तो टू फैक्टर के बिना आपको नहीं करना है। अगर आपने वो एनेबल नहीं किया है तो एनी वन कैन एक्सेस योर कार्ड फ्रॉम एनी वेयर। तो ये चीज हो गई टू वे फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और मल्टी फैक्टर भी आप कर सकते हो। मल्टी फैक्टर में होगा कि ओटीपी, एक ओटीपी आपको जाएगा ईमेल में, एक ओटीपी जाएगा आपका SMS में। तो ये मल्टी फैक्टर बोलते हैं। टू वे टू फैक्टर में आपको मिलेगा सिर्फ ओटीपी। तो ये चीज हो गई ऑथेंटिकेशन की। और चीज आती है डिजिटल पेमेंट गेटवे ओनली यूज पर्सनल डिवाइस। मैंने अभी भी आगे भी बोला कि अगर आप पेमेंट गेटवे यूज करना चाहते हो तो आपका पर्सनल डिवाइस होना चाहिए और आपका पर्सनल इंटरनेट एक्सेस पॉइंट होना चाहिए। किसी दूसरे बंदे के फोन के अंदर आपको ये यूज नहीं करना है। और एक चीज हम बोलना चाहेंगे, डू नॉट ऑटो पेमेंट मोड इन साइट। अभी जो हमने बोला कि डू नॉट स्टोर कार्ड इंफॉर्मेशन, उसके बाद एक पॉइंट रहता है ऑटो पेमेंट मोड। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम वोडाफोन यूज कर रहे हैं तो वोडाफोन के अंदर वो एक अलाव आता है कि ऑटो पेमेंट, माने कि हमारा पोस्टपेड है, मेरा पोस्टपेड कनेक्शन है तो वहां पे वो एक्सेस देता है भी ऑटो पेमेंट हो जाएगा। तो ऑटो पेमेंट के अंदर कार्ड सेव हो जाता है, तो वो चीज हमें नहीं करनी है। क्यों? बिकॉज ये अगर हम यूज कर रहे हैं वोडाफोन साइट की, तो वोडाफोन साइट का खुद का सर्वर नहीं होता है, वो लोग किसी दूसरे बंदे से परचेस करके वो अलाउ करके वो ट्रांजेक्शन करते हैं। माने कि वोडाफोन के खुद का ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो हम वो अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एनीवन कैन एक्सेस योर डेटा। तो ये चीज हो गई पेमेंट गेटवे की। अब हम आगे देखते हैं पासवर्ड सिक्योरिटी। पासवर्ड सिक्योरिटी वही वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो कोई भी बंदा आपको फोन, डिवाइस, सोशल मीडिया कुछ भी एक्सेस करना चाहेगा, अगर आपका पासवर्ड कमजोर हुआ तो एनीवन कैन ब्रेक इट। तो पासवर्ड कैसे यूज करना है? जनरली हम कोई भी पासवर्ड बनाते हैं तो उसमें अपना नाम रखते हैं, बर्थ डेट रखते हैं, या दोनों को जुड़ा के रखते हैं। जैसे मेरा नाम है जयमिन और मेरी बर्थ डेट है 27 सितंबर, तो मैं क्या करूँगा कि सिंपल पासवर्ड याद रखने के लिए मैं जयमिन नाम डाल दूंगा और उसके पीछे मेरा बर्थ डेट डाल दूंगा। सो इफ किसी बंदे को मालूम होगा कि मेरा नेम और मेरा बर्थ डेट, तो दे कैन एक्सेस अवर पासवर्ड। सो उसका यूज हमें नहीं करना है। हमारा जनरली जो भी नेम है और बर्थ डेट है उसका पासवर्ड में यूज मत कीजिए। और एक चीज आती है रियल वर्ड्स। रियल वर्ड्स मैंने एक एग्जांपल लिया है अर्थ, वाटर, क्लीन जैसे कॉमन वर्ड्स है,
उसको आपको पासवर्ड में यूज नहीं करना है. एनी वन कैन एक्सेस इजिली दैट रियल वर्ड्स. और एक चीज आती है क्रिएट लॉन्ग पासवर्ड. मैं ज्यादातर बोलूंगा कि आपका पासवर्ड 8 कैरेक्टर से लेकर 12 कैरेक्टर का मिनिमम होना चाहिए. माने कि अगर आपका 4 डिजिट या 6 डिजिट हो तो एनी वन कैन ब्रेक इट. सो आई सजेस्ट मिनिमम 8 कैरेक्टर टू 12 कैरेक्टर. और उसको हमको यूज करना है अल्फा न्यूमरिकल. अल्फा न्यूमरिकल के अंदर हम स्पेशल कैरेक्टर को भी यूज करना चाहिए और वो चीज को मिला के हमको बनाना है लॉन्ग कैरेक्टर, लॉन्ग 8 डिजिट कैरेक्टर पासवर्ड. और एक चीज आती है डोंट राइट देम डाउन. माने कि हम क्या करते हैं कि हमारा पासवर्ड याद रखने के लिए कहीं पे भी स्टोर करते हैं. जैसे हमारा फोन रहता है तो फोन के अंदर हमारा माई प्रोफाइल करके उसके अंदर पासवर्ड सेव कर देते हैं. तो वो चीज नहीं करनी है. अगर हम वो करेंगे तो इफ एनीवन कैन ब्रेक अवर फोन और अवर डिवाइस दे कैन इजीली एक्सेस अवर पासवर्ड. तो वो चीज नहीं करनी है. सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर ही वो पासवर्ड रखना है. और अगर वो पासवर्ड हम सेव करना चाहेंगे तो उसको कोई सिक्योरिटी लेवल के जरिए हम कर सकते हैं. जैसे अगर आप कोई फोल्डर बना दो मोबाइल के अंदर और उसको पासवर्ड से डाल दो और पासवर्ड के अंदर पासवर्ड डाल दो तो नो वन कैन एक्सेस दैट पॉइंट. और एक चीज आती है चेंज पासवर्ड ऑन रेगुलर बेसिस. माने कि हमारा पासवर्ड कोई बना हुआ है तो उसको ज्यादातर 6 मंथ या ईयरली चेंज करना चाहिए. लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि एवरी 2 मंथ चेंज करना चाहिए. मैं अपना पर्सनल बात करता हूँ, मैं एवरी मंथ अपना हर जगह का पासवर्ड चेंज करता हूँ. क्यों? अगर वो कहीं पे भी ब्रेक हो गया होगा तो हमें नहीं मालूम है, तो उसको रेगुलरली चेंज करना जरूरी है. और एक चीज आती है यूज डिफरेंट पासवर्ड ऑन डिफरेंट अकाउंट. मान लीजिए हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हमारा जीमेल का पासवर्ड है, हमारे फोन का पासवर्ड है. सबका पासवर्ड डिफरेंट होना चाहिए. अगर आपने सेम पासवर्ड रखा, कहीं से भी आपका पासवर्ड लीक हो गया तो माने कि आपकी पूरी सिस्टम जो है, जितने भी सोशल मीडिया है, जितना भी हमारा अकाउंट है, वो सब लीक हो सकता है. तो मेरा मानना है कि जहां तक जितने भी डिवाइसेस, जितने भी सिक्योरिटीज है, वहां पे आपको डिफरेंट अकाउंट में डिफरेंट पासवर्ड को क्रिएट करना है. यहाँ पे मैंने एक चीज आप देख सकते हो कि मैंने एक सिंपल पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है. तो हमको ये रिमेम्बर करने भी इतनी आसानी होगी. यहाँ पे एक देखिए आई एम हैप्पी टू बी 29. तो उसको मैंने पासवर्ड में कन्वर्ट किया है. आई को कैपिटल किया है, ए एम स्मॉल है. वहां पे हम स्माइली का आइकॉन देखेंगे तो यहाँ पे ये कॉलन है और ये ग्रेटर देन का मार्क है. तो ये होगा स्माइली का सिंबल, सॉरी. उसके बाद होगा ये टू बी. टू बी का मतलब होगा 2B. तो उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 2 डिजिट और बी, और वहां से आ गया 29 और लास्ट में ले लिया मैंने इंटोग्रेशन मार्क. तो ये मेरा पासवर्ड हो गया आई एम हैप्पी टू बी 29. तो ये आपको याद रखने में भी काफी सहलता से आप याद भी रख सकते हो और आपका पासवर्ड भी सिक्योर हो गया. तो ये मैंने एक सैंपल के हिसाब से अपने पासवर्ड को आपको बताया. इस तरह से आप पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं. अब हम आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, सोशल मीडिया सिक्योरिटी. मैक्सिमम पीपल आर अलाउिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एवरीवेयर हमारा अकाउंट रहता है. उसको हम सिक्योर कैसे कर पाते हैं वो चीज हम देखने वाले हैं. तो एक चीज तो हमने बोल दी थी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना जरूरी है और उसका 8 कैरेक्टर से 12 कैरेक्टर तक का होना भी जरूरी है. तो एक चीज हो गई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैव देयर ऑन डिफरेंट पासवर्ड. तो ये चीज हो गई दोनों, डिफरेंट पासवर्ड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. थर्ड पॉइंट आता है सेटअप योर सिक्योरिटी आंसर्स. ज्यादातर हम देखेंगे कि अगर हम फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक के सेटिंग में अगर आप जाओगे तो वहां पे एक सिक्योरिटी आंसर रहेगा. माने कि अगर आपको आपका पासवर्ड चेंज करना है, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हो तो वहां पे आता है सिक्योरिटी आंसर. माने कि हमने, मेरा एग्जांपल आप देता हूँ कि मैंने वहां पे एक लिंक दिया है कि मेरा फर्स्ट स्कूल, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे वहां पे डाल दिया मेरा स्कूल का नेम. तो ये मेरा सिक्योरिटी आंसर हो गया.
तो आप अपने हिसाब से वहां सिक्योरिटी आंसर भी डाल सकते हो। तो उससे क्या होगा कि सोशल मीडिया की आपकी सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी। और एक चीज आती है, बी सिलेक्टिव विथ फ्रेंड रिक्वेस्ट। इफ यू डोंट नो द पर्सन, डोंट एक्सेप्ट देयर रिक्वेस्ट, इट कुड बी फेक अकाउंट। ओके, तो ये चीज होती है फेक अकाउंट की। फेक अकाउंट दैट मीन्स अगर कोई बंदा आपके सर्कल में नहीं है और वो आपके अंदर आपके अकाउंट के अंदर फ्रेंड बनना चाहता है, और अगर आपने उसको फ्रेंड बना दिया, दैट मीन्स कि हमें हमारे अकाउंट के अंदर क्या सेटिंग में किया होता है कि हमारे फ्रेंड हमारा मोबाइल हमारा फोन नंबर देख सकता है, हमारा ईमेल आईडी देख सकता है, मेरा बर्थ डेट देख सकता है। अगर माने कि वो फेक अकाउंट है, सो वो बंदा आपका पूरा डेटा देख सकता है। दैट मीन्स के वो क्या करेगा कि आपके पासवर्ड को क्रैक करने की ट्राई करेगा, कि आपके बर्थ डेट को लगा के, आपके नेम को लगा के, आपके जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लगा के वो पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करेगा। तो आपको आपके सर्कल के अंदर के नहीं है तो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट को अलाउ नहीं करना है। और एक चीज आती है, क्लिक लिंक विथ कॉशन। ज्यादातर हम देखेंगे तो हम सर्फिंग करते हैं फेसबुक के अंदर, तो काफी सारे लिंक्स आते हैं कि भाई ये प्रमोशन चल रहा है, ये डिस्काउंट चल रहा है, तो हम ज्यादातर क्या करेंगे उसको क्लिक करेंगे। तो उसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर कोई ब्रांडेड कंपनी का लिंक होगा तो उस पर क्लिक कीजिए, अगर अनब्रांडेड कंपनी का लिंक होगा तो वहां पे क्लिक मत कीजिए। अगर आप क्लिक करते हो तो मैंने आगे भी बोला कि अगर आप वहां पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनके सर्वर में ट्रांसफर होने का चांसेस ज्यादा है। और एक चीज आती है, बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू शेयर, डोंट रिवील सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन। जैसे मैं आपको बोल रहा था अभी कि ज्यादातर हम क्या करते हैं कि हमारा फेसबुक अकाउंट रहता है तो हमारी पूरी इंफॉर्मेशन हम वहां पे डालते हैं, हमारा एड्रेस डाल देते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कहाँ पे काम करते हैं, हमारा फोन नंबर डाल देते हैं। तो उसको हमको डिस्प्ले नहीं करना है। ज्यादातर बने तो जितने हमारे जो सर्कल्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, तो उनके पास हमारा नंबर है, हमें अपना पर्सनल नंबर वहां पे फेसबुक या सोशल मीडिया पे डालने की जरूरत नहीं है। इफ एनीवन वांट टू कॉन्टैक्ट, दे कैन कनेक्ट विथ चैटर्स, और दे कैन कनेक्ट और हमारा नंबर कहीं और जगह से वो एक्सेस करके उसको ब्रेक कर सकता है। तो आपको फेसबुक पे अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन डाली है तो वो निकाल दीजिए, वो बेटर सिक्योरिटी लेवल नहीं है। तो ये होगा सोशल मीडिया सिक्योरिटी का कुछ की पॉइंट्स। आगे मैं एक सेशन ये करना चाहूंगा कि जितने भी मेंबर्स अभी ऑनलाइन है उनको कोई भी क्वेश्चन है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तो उसका मैं अभी लाइव में आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ। सो ओपन फॉर ऑल। भगीरथ भाई, अलाउ टू ऑल, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, आस्क अस। पार्टिसिपेंट्स, हैव यू एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो अभी। हेलो, कोई प्रश्न? यस भगीरथ सर। हाँ, कोई प्रश्न तो बताइए। नहीं नहीं, नो क्वेश्चन। हेलो, हाँ बोलिए। या
थैंक यू जेमिन सर फॉर दिस नाइस इन्फॉर्मेशन. इनफैक्ट हम सब लोग एंड्रॉइड मोबाइल और आजकल इंटरनेट सबसे गिरे हुए हैं, बट देन यू प्रोवाइडेड अस वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन विच इज रियली एसेंशियल एंड वी मस्ट फॉलो इट. आई थैंक्स अगेन टू बट मुझे एक आपकी राय जाननी है. जैसा कि आपने बताया कि वी ऑल शुड हैव एंटीवायरस इन मोबाइल ऑल्सो राइट. यस. So which is, I mean, as a product, which is more reliable? क्योंकि आजकल मतलब बहुत सारे free versions भी available होते हैं, and if we go for paid versions, then also there are multiple ranges. So I mean, according to you, which is more preferable for normal Android users like us? मैं ज़्यादातर मैं personal use करता हूँ K7. K7 security आपको reliable रहेगा और costing में भी काफी दम कम दाम में आपको मिल जाएगा. तो K7 सिक्योरिटी इज रिलायबल. आप क्विकिल भी अगर आप ज्यादा पैसे लेकर क्विकिल भी ले सकते हो, लेकिन आपको K7 सिक्योरिटी के अंदर वो सारे फीचर्स मिल रहे हैं. अच्छा, ओके, थैंक यू सर. ओके, वेलकम. एनीबॉडी? हेलो हेलो जयमीन सर. यस सर, बोले बोले. गूगल ड्राइव में कई लोग अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लाइक आधार कार्ड और वोटर आईडी अपलोड रखते हैं, तो वो क्या सुरक्षित है? मेरी राय माने तो वो सुरक्षित नहीं है. मैंने अभी आपको बोला कि जो गूगल है वो डेटा सेव करके मिसयूज भी करता है. उसका अमेजोन ने ऑपोज भी लिया हुआ है और उसका अभी फिलहाल केस भी चल रहा है. तो गूगल इज नॉट 100% सिक्योर. मैं अभी यूएस की बात कर रहा हूँ, तो यूएस के अंदर जो पब्लिक है वो गूगल को अभी बंद कर रही है उसकी सर्विस. माने कि अभी जीमेल भी वो लोग यूज नहीं कर रहे हैं. तो मैं ज्यादातर मानता हूँ कि आप कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो गूगल में शेयर मत कीजिए. उसके अलावा हमारे पास वन ड्राइव है और एक माइक्रोसॉफ्ट है. तो माइक्रोसॉफ्ट इज मोर सिक्योर देन द गूगल. OneDrive and Microsoft is more secure than Google. Okay, thank you, sir. Okay, welcome. Most of the application है, for example, ये अभी हम Zoom या अन्य कोई application है. Yes. जब हम active करने से पहले तो वो demand करेगा कि हम आपका पूरा वीडियो भी एक्सेस करे, एसएमएस भी एक्सेस करे, आपका कांटेक्ट भी एक्सेस करे. हम जो मना करें क्या तो वो एक्टिव नहीं होती. हाँ, मैं वही चीज आपको बोलना चाहता हूँ कि एसएमएस जो है तो एसएमएस और कॉल उसको आपको डिनाइड करना है. मैंने भी अपने फोन में जूम एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है, वहां पे मैंने कॉन्टेक्ट और एसएमएस और गैलरी सभी को मैंने डिनाइड किया हुआ है, फिर भी मेरा जूम चल रहा है. तो डोंट वरी अबाउट दैट.